देवी देव मुपागम्यम नीलकंठम सदाशिवम कृपया पार्वती प्राह शंकरम करुणाकरम। एक बार देवी पार्वती नीलकंठ महादेव सदाशिव के पास में जाकर के विनय पूर्वक बोली कि ब्रूही वल्लभ साधु नाम दारिद्राणाम कुटुंबिनाम दारिद्र्य दल लोप नाम धनप्रदम, अर्थात हे सज्जन, हे वल्लभ, हे सदाशिव, दरिद्र और कुटुंबियों के दरिद्र नाश के लिए और तत्काल तत्क्षण धन प्राप्ति हेतु ऐसा मार्ग बताएं जो कि सांसारिक प्राणियों के लिए सुलभ हो, जिससे वे धन प्राप्त कर सके और अपनी दरिद्रता दूर कर सके। इसके बाद में सदाशिव भगवान भोलेनाथ ने देवी को मनुष्य के सुगम लक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति हेतु एक विशेष लक्ष्मी योगिनी की साधना बतलाई। महादेव ने कहा कि जो व्यक्ति इस देवी की साधना सिद्धि करता है उसे हर प्रकार की धन के आगमन उसके घर में सुनिश्चित हो जाते हैं। हर प्रकार का धन उसे प्राप्त होता है, सारे धन कमाने के रास्ते खुल जाते हैं और हर प्रकार के कुबेर का खजाना तक उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो कि इस लक्ष्मी योगिनी की साधना करेगा। रुद्रयामल तंत्र भारत का अति प्राचीनतम तंत्र है। उसमें साक्षात महादेव ने माता पार्वती को मनुष्य लोक के मनुष्यों के भले के लिए जो कि मार्ग बताए हैं उन्हीं के में से ही यह साधनाएं आती है, क्योंकि संसार में कलयुग के अंदर व्यक्ति हर प्रकार से दुखी है, संतप्त है और बिना धन के कलयुग में व्यक्ति की कोई इज्जत या तवज्जो नहीं होती। इसलिए चाहिए कि अगर तकदीर में कोई प्रकार का धन आगमन नहीं लिखा है तो भी हम अपने तकदीर को, अपनी कुंडली को बदल सकें और हम एक ऐसी लक्ष्मी प्राप्त कर सकें जो कि स्थिर हो और चिरकाल तक हमारे घर में बनी रहे और अपार धन संपदा हमें प्राप्त हो जाए और हर प्रकार की हमारी कामना पूर्ण हो जाए। इसलिए महालक्ष्मी नामक यह योगिनी की साधना आज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये साधना किसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके की जानी चाहिए, मगर अपने घर के एकांत कमरे में भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो। और यदि आपके घर के आसपास वट वृक्ष है तो अवश्य ही उस वट वृक्ष का उपयोग करके आप उसके नीचे बैठ करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं और नित्य एक निश्चित संख्या में मंत्र का जप करना है। वट वृक्ष समारूढ़ो जपे देकाग्र मानस महालक्ष्मी योगिनी च स्थिरा लक्ष्मीश्च जायते। इस प्रकार से लक्ष्मी योगिनी के जो जप करता है, मंत्र जप करता है, इसकी सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके पास में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, यानी कि उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और धन आगमन हो जाता है। और इस प्रकार से निरंतर अभ्यास से, मंत्र जप से कुछ ही दिनों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। महालक्ष्मी योगिनी की साधना के लिए महालक्ष्मी योगिनी का यंत्र, माला और गुटिका की आवश्यकता पड़ती है। घी का दीपक साधना काल में चलता रहना चाहिए। यंत्र आपके सामने बाजोट पर स्थापित करें, उसके पास में गुटिका स्थापित करें और उसके पश्चात ही रात्रि काल में 10 बजे के बाद ही स्नान आदि करके अपने आसन पर एकाग्रचित हो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको मंत्र जप करना है। निश्चित संख्या में अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर प्रदत्त मंत्र का जप करें और उसी संख्या में मंत्र का निरंतर जप करें। अवश्य ही देवी का प्राकट्य होता है और अर्धरात्रि में देवी दर्शन देकर के अपने साधक को तृप्त करती है, उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है, उसके दुख को सुनती है और उसके घर में स्थिर हो जाती है, यानी कि वो धन फिर खत्म नहीं होता है और हर प्रकार के धन के रास्ते खोल देती है। चाहे व्यापार बंद है तो व्यापार को सुचारू कर देती है, व्यापार नहीं है तो व्यापार चालू कर देती है, नौकरी नहीं है तो नौकरी धंधा शुरू हो जाता है। हर प्रकार से धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। इसका मंत्र इस प्रकार है, आप ध्यानपूर्वक सुने। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी योगिनी का सिद्धि प्रदाता सुफला मंत्र है और एकांत कक्ष में बैठ करके या वट वृक्ष के नीचे बैठ करके आप इसके मंत्र का जप करें। साधना को गुप्त रखें, साधना का मंत्र अपने गुरु से प्राप्त करें और उस मंत्र को किसी को ना बताएं और गुप्त रूप से ही यह साधना संपन्न करें। और एकाग्रता और एकांत में साधना करने से जल्दी सिद्धि हासिल होती है और अर्धरात्रि के समय अवश्य ही देवी साधक को निश्चित रूप से प्रकट होकर के वरदान देती है, बातचीत करती है। देवी को जल से भरा हुआ तांबे के लोटे में
पवित्र जल उसको अर्घ के रूप में प्रदान करें, पुष्पासन प्रदान करें, यानी कि पुष्पों की पंखुड़ियों को शुक्रवार को रात्रि काल में अपने पास ही रखें और देवी के लिए उन्हीं का ही आसन बनाकर रखें ताकि अवश्य देवी हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें वचन और वरदान प्रदान करें। धन्यवाद।